बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम आई यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद करते सब सारे सुन हमारी बात जहाँ रहे खुश रहे। तो आज मैं जा रहा हूँ, बच्चों को स्कूल का एडमिशन करवाना है और काफ़ी दिन हो गए थे ये काम रह रहा था और मैंने कहा कि आज ये करवा दूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज सुबह सुबह गर्मी बहुत ज़्यादा है और अब्दुल हादी ने ज़िद की है कि मैंने भी जाना है, तो मैंने कहा कि आपको भी स्कूल दाखिल करवा देता हूँ। अभी इसने ऐनक वगैरह चश्मा वगैरह लगा लिए देखे और फ्रेश हो चुका है, अभी हम जाने लगे चलते हैं और वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, अगर बन सकी तो ठीक है, ना बन सकी तो फिर बाद में देखेंगे, बाद में वापसी आएंगे तो फिर चलते हैं। फिलहाल तो लेट हो रहे हैं तो चलेंगे। दरवाज़ा खोलते हैं जी। अब्दुल्ला जाना वो रो रहा है कि मुझे नहीं साथ लेके जा रहे हैं, अब्दुल्लादी को साथ लेके जा रहे हैं बस। हाँ जी, तो अब्दुल्लादी देखें बाइक चला रहा है, बाइक चलाने की कोशिश करता है, इसे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं बाइक चलाऊँ। बाइक चला रहे हो? अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, गार्डन बजाओ, गिनती करो कैसे करते हैं ये देखिए। हाँ जी, हम स्कूल के पास आ चुके हैं तो अभी स्कूल के अंदर इंटर होते हैं, उतरो ऐसे। हाँ, स्कूल के पास हम आ चुके हैं और बाइक को लगा देते हैं लॉक। हाँ जी व्यूअर, तो बच्चों का टेस्ट हो गया और अभी चलते हैं घर। घर चल के आप लोगों को बताते हैं कि हमारा टेस्ट जो है ना वो कैसा रहा है। अब्दुल्लादी आपने भी टेस्ट दिया था, इधर देखो माशाल्लाह स्कूल जो है ना बड़ा ही साफ सुथरा है, ये देखे माशाल्लाह। तो अभी निकलते हैं घर की तरफ। हाँ जी, तो अभी घर जा रहे हैं। पीछे हट जाओ, पीछे 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 हट जाओ, पीछे हट जाओ। बहुत शुक्रिया जी। हेलो। हाँ जी, तो मैं घर आ चुका हूँ, बच्चों का एडमिशन करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा हो चुका है। मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो ज़रा मखसूस मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है तो काम हमारा हो चुका है। पहले बिलाल का और अली स्नैन जैन तीन बच्चों का मैंने करवाया था तो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था, और आज मैं जो ना अलीज़ा और ईमान फातिमा इनका करवा के आ चुका हूँ, और सुबह इंशाल्लाह इनका फर्स्ट पहला दिन होगा स्कूल का। तो अभी चलते हैं घर क्योंकि अभी जो है ना मिस्त्री भाइयों का खाना बनाना है, तो उसके लिए कुछ सब्जी वगैरह जो काम काज होंगे वो भी चल के करते हैं। यहाँ पे अब्दुल्ला अब्दुल हादी खड़ा जी, अभी तक इसने अपना चश्मा जाना वो रखा नहीं है। स्कूल का पहला दिन कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। वाह, अब्दुल हादी का वहाँ पे जनाब इंटरव्यू हुआ था, और इंटरव्यू कह रहा हूँ टेस्ट हुआ था, और टेस्ट ये फेल हो चुका है ऐसे ना। हाँ जी, किधर आ रही हैं? तंदूर जलाने। हाँ जी, मैं मस्जिद गया हुआ था और अभी ये मिस्त्री भाइयों के लिए रोटियां लगाने लगी, तंदूर जो है वो जल गया है, अभी सिर्फ इन्होंने रोटियां लगवानी है ऐसे है ना, क्योंकि वो सामने तंदूर हमारा जल चुका है। बेगम साहब उधर जा रही बस, जैसे काम को पता चला ना इन्होंने शोर मचाने शुरू कर दिया, वो नीचे बैठे हुए कितने ज़्यादा, वो देखे एक दो तीन चार पाँच कितने ज़्यादा कहाँ हैं, पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ा हुआ है। हाँ जी, इधर रोटियां लग चुकी हैं, ये देखे जी। हाँ जी व्यूअर, तो मैं आ चुका हूँ मस्जिद की तरफ, अभी मस्जिद की तरफ जा रहा था तो मैंने कब चल के देखते हैं कि मस्जिद में कितना काम हुआ है। मस्जिद के पास में आ चुका हूँ, ये मिट्टी हमने आज मंगवाई थी और अभी चलते हैं मस्जिद के अंदर, ये यहाँ पे उतार दी गई है। तो आज हो चुका है जी हमारे ये वाले पिलर, ये कल रह गए थे नहीं हो सके थे, सिर्फ प्लास्टर किया था बाकी काम जो वो नहीं हुआ, लेकिन ये माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त होगा, ज़बरदस्त। बाकी काम इंशाल्लाह जो है ना बाद में होगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे अल्लाह के करम से, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी व्यूअर, तो मैं गया था आप लोगों को पता है बच्चों को छोड़ने के लिए, और मैंने मिस्त्री भाइयों को खाना भी खिला रहा, सारे काम काज हो गए, और बेगम साहब जो है ना वो बिजी थी और ये व्लॉग में बिल्कुल भी नहीं आ जा रही थी, और मैंने इनको खींच के इनको लेके आया हूँ, और मैंने कभी व्लॉग भी बना लें, व्लॉग भी बनाना है, यहाँ पे भी टाइम लेना, लेकिन इन्होंने कहा टाइम मेरे पास है ही नहीं। और अभी आ चुकी फ्रेश हो चुकी, आए तो कपड़े शपड़े बड़े मजे के बने पहने हुए इन्होंने, तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाकी काम काज होंगे ना वो बाद में करते रहेंगे ऐसे यानो। और इनकी थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो भी ख़राब हुई हुई है, और हाँ जी 2 दिन हो चुके हैं, और मतलब कि ये सही तरह फ्रेश फ्रेश नहीं है, जैसे पहले व्लॉग में ऐड होती थी वैसे नहीं है,
तो अभी जी काम का ही कर लेते, आप लोगों को दिखाते हैं जो हमने कल चूल्हा बनाया था ना, वो भी दिखाते हैं। तो चलो जी। हाँ जी, तो ये हैं जी चूल्हे हमारे जो हमने कल मेहनत की इतनी ज्यादा, और ये चूल्हे बनाए ये देखे। वाह, इधर से ये वाला देखे, आपने तो बहुत ज्यादा मेहनत की है। हाँ जी बिल्कुल, हर काम में मेहनत होती है, खास तौर पर जब मट्टी का काम होता है ना, मट्टी के मामले में वो तो उस पे बहुत ज्यादा मेहनत होती है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन चीज अच्छी बन गई, मेहनत हुई है ना अच्छी बन गई। तो चलें जी बाकी काम का स्टार्ट करते हैं। आज बेगम साहब ने जो सूट पहना ना, माशाल्लाह क्या ही कमाल है, ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी। वैसे तो पर कुछ खास नहीं लगा, सिंपल ही बिल्कुल सिलाई किया हुआ। आपको सिंपल भी बड़ा खूबसूरत लगता है, ऐसी है ना। हाँ जी, अब मैं क्या कहूँ, ये तो मेरे व्यूअर से बताएंगे कि आप सच्ची कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, या फिर बस झूठी झूठी तारीफ किए जा रहे हैं मेरी। नहीं जी, मैं झूठी तारीफ नहीं करता। चले जी। हाँ जी, ये क्या करने लगे? ये है जी साबुनदानी और ये है जी मिरर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये हमें जरूरत थी, तो ये काफी दिनों से मैं कह रहा था कि ये हम लगा दें, लेकिन ये ना तो आ रही थी और ना लग रही थी, ऐसी ना, और आज बेगम साहब ने ये मंगवा ली है और ये अब लगाने भी लगी है। मिरर जो है बेसन वाला वो भी टूट गया था और साबुनदानी भी बिल्कुल खराब हो गई थी। हाँ जी, तो चले लगाए। अभी मैंने किस तरह लगा दिया। ये आपने लगाना किस साइड पे है? इस साइड पर खड़े होते थे, इस साइड के लगाए। हाँ, पहले वो सामने लगा हुआ था, टूटा एक घर का शीशा था, वो टूट गया था, और ये इन्होंने किस चीज से लगाया था? ये अल्फी लगी हुई, अल्फी से इन्होंने लगा दिया था। ये अभी उतार देंगे, ये न्यू वाला यहाँ पे लगा देंगे, देखना गिर ना जाए, टूट ही ना जाए। हाँ जी, कील से निशान लगाए जा रहे हैं जहाँ पे हमने सुराख करने हैं। हाँ जी, छोटे छोटे निशान लग गए। हाँ जी वीवर, तो हमारा शीशा और हमारे टूथब्रश रखने वाली जगह जो है वो बन गई है, और बड़ी मुश्किल हुई है, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो सीना देखें कितना ज़्यादा आ गया, तो एक तो कील लग नहीं रहे थे और दूसरा कील टूट गए थे, तो उनको लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अभी मैं ये सामान रख लूँ क्योंकि दोबारा फिर ये काम देगा, चलते हैं। हाँ जी वीवर, शीशा और साबुन रानी जो हमने लगा ली थी, और अभी जो है ना बेगम साहबा ने उठाया हुआ है दुआ रानी को, और अभी इनसे पूछते हैं कि जी पकाना क्या है आज, ये बता दे, शाम होने वाली है, क्या पकाना है? अरे क्या पकाना है, बता दे बता दे बता दे बता दे। बस ने बताया और हमने खाया, मेरी दुकान में बताएगी, बताओ। बताती अच्छा, है क्या कह रही है? आज ये कह रही है मेरे पुलाव के दिल है, वाह नमकीन चावलों के। वो तो कह रही मुझे नींद आई खड़ी, ऐसी बात है। चलें जी, मैं चावल लेके आता हूँ। अच्छा, दोपहर को भी सुबह रोटी खाएंगे, दोपहर को भी रोटियां खाएंगे सब ने पेट भर के, और हल्का फुल्का आप सबने खाना खाना है, तो मैं ये सोच रही हूँ चावल ही बेस्ट रहेगा। कितने चावल लेके आऊँ? 2 किलो लेते हैं। चलें जी, मैं चलता हूँ, चावल लेके आता हूँ, बाकी काम बाद में। हाँ जी व्यूअर्स, अभी मैं जाने लगा हूँ चावल लेने के लिए, और चावल लेके आते हैं और बाकी काम जो है ना बाद में करते हैं। शाम हो गई है, सूरज जो है ना बिल्कुल गुरूब हो चुका है, सूरज नजर भी नहीं आ रहा, अभी हजाने आ रही है। व्लॉग का बंद करते हैं, व्लॉग जो है ना बाद में देखते हैं। अच्छा, जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ ना, ये फूल मुझे नजर आ जाते हैं, ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे, अभी तो शाम हो चुकी है। अच्छा जी, हमारी दुकान जो है ना गाँव की वो तो बंद पड़ी है, दुकान वाले भाई जो ना वो आ चुके हैं, नमाज पढ़ने गए हुए थे जी। चावल भी मैंने ले लिए 2 किलो, और एक ये गोरमे की स्टिंग बोतल ली है, थोड़ी सी मैंने पी, मैंने कहा बाकी बेगम साहबा को दूंगा, बाकी ले चलते हैं घर। हाँ जी वीवर, तो मैं घर आ चुका हूँ, बेगम साहबा मेरा इंतजार कर रही थी, ऐसे है ना। हाँ जी, और ये लिए आपके लिए मैं बोतल भी लेके आया हूँ, आधी मैंने पी ली थी, आधी आपके लिए, और ये चावल। ये जी स्टिंग है, ये माय फेवरेट बोतल है, ये वाली आपकी नहीं, ये हर किसी की फेवरेट होती है। अच्छा,
और जल्दी जल्दी आप चावल बना लें और मैं जाने लगा नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि मगरब का नमाज का टाइम हो चुका है और मैं वो पढ़ के आता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने घर में मशीन रखी हुई थी, बेगम से बगैर बीपी चेक करना था क्योंकि ये चावल बना रही थी और बीपी इनका लो हो गया या हाई हो गया, जो भी हुआ मैंने कभी चेक कर लेते हैं। और ये मशीन हमने घर में रखी हुई थी, अभी पता चल जाता क्या करती है। और साथ अब्दुल्ला भी बैठ गया, इसे भी इंजेक्शन लगेगा ऐसे ना, ये ऐसे फूल रही है ना। अच्छा जी, बेगम साहब का जो बीपी है ना वो कम हुआ खड़ा, ये देखें। अच्छा जी, 120 से कम है, इस वजह से इनका बीपी जो है ना वो लो हो चुका है। ऐसे ना गर्मी में काम करती रही इस वजह से ऐसे चले। तो अभी हम 7 अप की बोतल जो है ना वो पियेंगे और पिलाएंगे भी बेगम साहब को, इनका बीपी जो है ना कुछ बेहतर हो जाएगा ऐसे है ना। चले खैर, अब्दुल्ला ठीक हो गया। हाँ जी वीवर, तो चावल जो है ना वो पक चुके हैं हमारे और इस साइड पे अब्दुल हादी खा भी रहा है और बेगम साहब ने चावल फिर नहीं बनाए थे क्योंकि इनका ना ब्लड लो हो गया था ऐसे ना, और मैंने इनको मना कर दिया था अभी आप चावल जो है ना बनाएं, तो वो भरजाई ने भाभी मेरी ने चावल बना दिए थे। भरजाई ने, हाँ जी पंजाबी में भरजाई कहते हैं, हाँ जी क्योंकि हम पंजाबी ना उर्दू मेरी अड़ जाती है। हाँ जी, तो पीछे जी फुल अंधेरा छा चुका है ये देखे। तो अभी जी चावल खा लेते, व्लॉग का भी एंड करते, व्लॉग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, और हमें इजाजत मिलेगी किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़। अब्दुल्ला दी वाह।